सत्येंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए हरियाणा में किस तरह की हलचल नजर आ रही है? राज्यसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि विधायक रिजॉर्ट पहुंचे हैं, भाजपा और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी रणनीति है। आपकी आवाज सत्येंद्र नहीं पहुंच रही है हम तक। देखिए, हरियाणा में पिछला जो चुनाव था उससे सबक लेते हुए अब की बार हर एक राजनीतिक दल ने विशेष रूप से तैयारी की है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस की पिछले राज्यसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि हरियाणा के विधायकों ने पेन बदलने की वजह से, यानी कि पेन की इंक बदलने की वजह से 16 मत रद्द हो गए थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्रा, जो कि निर्दलीय थे, भाजपा समर्थित थे, वो चुनाव जीत गए थे और INLD के RK आनंद बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। हालांकि अब की बार सुभाष चंद्रा मेरे सहयोगी शरद की तरफ पलायन कर गए हैं, अब की बार वो राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में वो एक बवाल खड़ा कर गए और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। देखिए, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, इतने बड़े बड़े नेताओं के वोट जब रद्द हो गए तो इसको लेकर खासा बवाल मचा। अब की बार जो है इससे सबक लेते हुए देखिए, हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल 31 विधायक है, 31 में से 30 विधायक इस समय रायपुर के रिजॉर्ट में मौजूद हैं और आज उन्हें चंडीगढ़ लाया जा सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है राज्य में, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरे हुए हैं। जो तावड़े हैं, विनोद तावड़े हैं, प्रभारी हैं, वो मुंबई से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज पंजाब के मोहाली के सुखविला, जो कि एक 7-स्टार रिजॉर्ट है, उसके अंदर तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को लेकर जा रही है, जिनकी सरकार है। तो ये जो दोनों चीजें हैं अपने आप में बता रही है कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प और अहम है। देखिए, जो मत है उसके मुताबिक दो राज्यसभा के उम्मीदवार हरियाणा से बनने हैं। अब इसमें गणित ये है कि 40 संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है, 31 कांग्रेस के पास है, 10 JJP है और कुछ निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें से एक INLD का विधायक है। अब इसमें से 40 में से 30 पर एक भारतीय जनता पार्टी का विजय होना तय है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बड़ा गेम खेलना चाहती है और वो कांग्रेस के गेम को खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि जब 30 मत एक कैंडिडेट के पक्ष में चले जाते हैं तो 10 मत भारतीय जनता पार्टी के बचते हैं, 10 JJP जो कि उनके सहयोगी हैं, बाकी इंडिपेंडेंट है। हालांकि इंडिपेंडेंट में अब कई इंडिपेंडेंट्स की आवाज मुखर होने लगी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में काफी धन बल का भी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे कैंडिडेट जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय हैं, जो एक बड़ा मीडिया हाउस भी चलाते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो जब से इस चुनाव में आए हैं ये चुनाव दिलचस्प ही नहीं बल्कि रोचक भी हो गया है। और कार्तिकेय शर्मा ने सबसे बड़ी तलवार, जो डर की तलवार है, वो कांग्रेस के ऊपर लटका दी। हालांकि कांग्रेस के पास 31 विधायक है, 31 में से 30 विधायकों को रायपुर ले जाया गया है, जिसमें से कांग्रेस के खासम खास किरण चौधरी और राव चिरंजीवी, ये दोनों हरियाणा में हैं, दोनों गए नहीं है, लेकिन इन्होंने ये आश्वासन दिया है कांग्रेस के नेताओं को कि जहां पर भी जैसा भी किया जाएगा ये मत देंगे। और सबसे एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा, रायपुर के रिजॉर्ट में बाकायदा मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल का मतलब कि कांग्रेस के विधायकों से वहां पर मॉक चुनाव करवाया गया है, बाकायदा पोलिंग बूथ बनाया गया और उस पोलिंग बूथ में एक एक करके विधायकों को ले जाया गया और उनसे बिल्कुल हूबहू जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है उसी तरीके से मत गिरवाया गया है, वोट डलवाया गया है। इसका मकसद ये है कि पिछली बार जो पैन बदला गया था, अब की बार ना पैन बदला जाए ना स्याही बदला जाए। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी और JJP ने भी अपने बाकायदा पोलिंग बूथ बनाए हैं मॉक, और बाकायदा विधायकों को लाइन में लगाकर नाम बुलाकर कि अब ये विधायक आएंगे, उसके बाद ये विधायक आएंगे, उनसे बाकायदा वोट डलवाए गए हैं। तो ये जो प्रकरण हो रहे हैं, ये इस चुनाव को खलबली साफ देखी जा रही है।